दोस्तों आप लोग नॉनी डी केयर जो कि शुगर के लिए दवाई है वो आप लेने के लिए बेताब है दोस्तों। तो आज आपको एक राज दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि नॉनी डी केयर जो कि सिरप है उसका पोल खोलने वाला हूँ। कैसा दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एक पेड़ दिख पा रहा आपको, ठीक है। और नॉनी डी केयर में यही पेड़ का जिक्र किया था कि ये भारत में नहीं और हमारे अमेरिका में पाया जाता, जहाँ पर उत्पाद होता है ये दवाई वहाँ पर पाया जाता है। और इसका जो मेन जो कि जड़ है वो इसका फल है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, देखिए यही फल है वो, देखिए आप नॉनी डी केयर में देख लीजिएगा, फल का जिक्र करेगा यही वाला, ठीक है। ये फल देख लीजिए आप, यही फल है, देखिए बढ़िया से, ठीक है। और यही फल का मिश्रण करके ये कहा था कि नॉनी डी केयर का हम लोग सिरप बनाएं और इसमें आप लोग को बेनिफिट होगा, अच्छा बेनिफिट होगा। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने नॉनी डी केयर लिया था, ठीक है, मैंने ना जान बूझ के लिया था मम्मी के लिए, बट मेरा रिजल्ट बिल्कुल गलत आया, उसका डुप्लीकेट आया दोस्तों। 3 बोतल आया था, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, घर में जाके कि नॉनी डी केयर हमारा घर में है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अभी आपको फिलहाल ये दिखा रहा हूँ कि ये पेड़ हमारा इंडिया में अब उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पेड़ कोई ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ बुड़बुक बनाने के लिए बेसिकली इसमें बताया गया है कि इस पेड़ का जिक्र किया गया कि यह नॉनी डी केयर शुगर को मार देता है जड़ से बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े सारे पेड़ हैं, और आप देख लीजिए चेक करके इसका पत्ता भी देख लीजिए, और नॉनी डी केयर में जो वीडियो दिखाता है वो भी पत्ता देख लीजिए, और ये भी फल देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। बार बार देखिए आप, ताकि आपको कोई संदेह ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो इसीलिए नॉनी डी केयर ना ले, क्योंकि उसमें काफ़ी महंगा भी है और काम भी नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ। 3 बोतल के 3 बोतल हमारा पड़ा है दोस्तों, थोड़ा सा मम्मी पिया था, उल्टा केस हो गया था दोस्तों, इसलिए नॉनी डी केयर ना ले दोस्तों, बहुत ही ख़राब चीज़ है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नॉनी डी केयर बारे में ऐसे बताते रहूँगा, और भी चैनल और भी मतलब रिलेटिव वीडियो के लिए बताते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू।